तो आज 2017 में हम लोग इसको लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जो 10 साल का पीरियड था 2006 से 2016 अगस्त तक, उसमें कुल मिला के 14 मीटिंग एम्पावर्ड कमिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की मिली जीएसटी के विषय में ही, और अधिकारियों के 30 अलग अलग ग्रुप बनाए थे एम्पावर्ड कमेटी में। वो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे थे जीएसटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जीएसटी सडनली आया है, ये पूरा लॉ हमने 6 महीने बनाया है, ऐसा नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि जो लॉ का सबसे पहला ड्राफ्ट हमने जो रिलीज किया था, वो कलकत्ता की एम्पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग थी जून या जुलाई 2016 में, उसके बाद तुरंत हमने ड्राफ्ट इसका रिलीज किया था। और ये जो 30 प्लस अधिकारियों की मीटिंग थी, अधिकारियों की जो कमेटी थी, उन्होंने 175 मीटिंग किया इसके ऊपर। 10 साल में कुल मिला के 175 के करीब मीटिंग हुआ, और उसका नतीजा है कि आज पूरी सिस्टम तैयार है, आईटी सिस्टम भी तैयार है, और लॉ भी तैयार है, रूल्स भी तैयार है, एवरीथिंग इज नाउ डन। 14 मीटिंग 10 साल में हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो जीएसटी काउंसिल की रचना की गई, विच वॉज ए रिप्लेसमेंट फॉर एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये काउंसिल की भी कुल मिला के 12-13 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। पिछले 6 महीने में काउंसिल की भी 13 मीटिंग्स हो चुकी है। और अगर हम ये 13 मीटिंग्स में जितने अधिकारी आए, जितने मंत्री आए, 2 दिन की 1 दिन की जो मीटिंग हुई, उसका टोटल हिसाब किताब लगाए, तो अबाउट 18,000 मैन आवर्स ऑफ वर्क हैज गोन इन टू जीएसटी काउंसिल वर्क इट्सेल्फ। जीएसटी काउंसिल ने जो काम किया उसमें भी 18,000 घंटे मैन आवर्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि काफी सारे देश में जीएसटी लगा तो वो सीधा का सीधा सिंगल पॉइंट टैक्सेशन से जीएसटी में आ गए। तो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे पहले इंडिया में भी एक सेल्स टैक्स था, आप जानते होंगे सेल्स टैक्स, 2006 तक सेल्स टैक्स था, सिंगल पॉइंट टैक्स ओनली ऑन होलसेलर और एट वन स्टेज। उसके बाद जो प्रॉफिट एडिशन हुआ वो नहीं मिलता था, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन था। फिर सब स्टेट ने मिलके वैट को लागू किया, तो उसमें हर स्टेज पे टैक्स लगता था और हर स्टेज में अगले स्टेज की इनपुट टैक्स रेटिंग मिलती थी, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो जीएसटी है वो और कुछ नहीं है, जीएसटी इज ऑल्सो ए वैल्यू एडेड टैक्स। एक सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या चीज पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट वन, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये चार चीजें हैं, चार कॉर्नर में आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट वन, स्टेट टू, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज है उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली सीजीएसटी में चला जाएगा, 9% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल जीएसटी रेट होगा, उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको सीजीएसटी कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको एसजीएसटी कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज नथिंग एल्स बट इट इज ए टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एससीएसटी, उतना ही रेट होगा। जैसे मैं सपोज देयर इज एन आइटम ऑन विच 18% रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एससीएसटी इज देयर, तो 18% ही आईजीएसटी होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके ऊपर
मुझे 18% देना है IGST के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है SGST और CGST पे करने की, वो पे करने के टाइम ये IGST का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि IGST वो एक अलग टैक्स नहीं है, IGST जो है ये एक इंटरिम टैक्स है जिसको हम कहते हैं वॉशआउट टैक्स। वॉशआउट टैक्स इसलिए कह रहे हैं कि IGST की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं, वो वॉशआउट हो जाएगा। IGST अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं, है कि जब फॉरेन टेरिटरी से कोई भी माल आएगा तो IGST लगेगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग है, कस्टम ड्यूटी इज नॉट गेटिंग मर्ज्ड इन GST, प्लीज रिमेंबर। कस्टम ड्यूटी का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा, उसको इस GST में नहीं मर्ज कर रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है, वो तो रहेगा, टेरिफ जिसको बोलते हैं कस्टम टेरिफ वो रहेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी के उपरांत उस कमोडिटी पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में GST काउंसिल ने जो भी रेट डिसाइड किया है उतना ही रकम IGST के रूप में हम ले लेंगे उनसे। फिर अगर व्यापारी वो चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है और फिर वो CGST या GST पे करने की लायबिलिटी आती है दोबारा जब इंडिया में सेल करेगा, तो उसमें से वो IGST का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इम्पोर्ट के टाइम ही IGST लग जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूँ।